नमस्कार, आप देख रहे हैं बी ऑनलाइन बिहार न्यूज। मैं शुभमन हूँ। हमारी मौजूदगी अभी डुमराव वन मंडल में है और ये देख रहे हैं एक डब्बा, आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस डब्बे को देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे की कहानी इस जगह की हम आपको विस्तृत बताएंगे। देखिए, इस डब्बे पे लिखा हुआ है नगर परिषद डुमराव, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको हम सूचित कर रहे हैं। दिखाने का मकसद ये है कि हम अभी डुमराव के नगर परिषद में मौजूद है। हालांकि यहाँ पे नली आपको दिखाई नहीं देगी और रोड जो दिखाई देगा उसकी स्थिति आप देख करके खुद ही समझ जाइएगा। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, इन लोगों से हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी समस्या है और यहाँ पे रोड की क्या समस्या है, क्या क्या समस्या से इन लोगों को गुजरना पड़ता है। हालांकि मैं ढूंढना चाहूँगा यहाँ पे नली वली दिख रहा है कि नहीं। नली वली तो हमको नहीं दिख रहा है, शायद आप लोगों को अगर दिख जाए तो डुमराव में आइएगा तो ज़रूर यहाँ पे नली दिख करके हमको सूचित ज़रूर कीजिएगा। क्या कुछ समस्या है आप लोग यहाँ पे आज खड़े हुए हैं एकत्र? ये जो भी हम लोग को बरसात के मौसम जो आता है उस समय हम लोग यहाँ पर अपने तरफ से चंदा या फंड जो भी है गली में लोग अपने तरफ से पैसा बटोर कर और इसमें हम लोग टुकड़ा डलवाते हैं। देख लिया जाए कि आज ही हम लोग करीब करीब 10 गाड़ी हम लोग टुकड़ा डाले हैं। हाँ। और इस पर राविश डालने का भी प्रावधान है, लेकिन अब पैसा का प्रॉब्लम है। हम लोग कितना पैसा दे पाए? अपने पैसे से क्या? जी, अपने पैसे से हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और उसमें हर सीजन का यह प्रॉब्लम है। और जो रह गया कि अब नली गली का बात, तो नली तो हम लोग का अपना पर्सनल आगे रोड पे ही गिरता है। अब इसमें बरसात का समय आ गया तो अब इसमें समझिए कि ठेहुना भर से ऊपर पानी लग जाना है। अच्छा, किस अधिकारी के पास क्या आप लोग गए थे क्या कभी इस समस्या को लेकर के? हाँ, गए थे हम लोग। क्या कुछ उधर से आश्वासन मिला, क्या कुछ कहा गया? आश्वासन तो बार बार मिला है कि बन जाएगा, लेकिन हर समय और हर बार यही हाल होता है। जब भी बरसात होता है यहाँ ठेहुन भर पानी लग जाती है, उससे कहीं ज़्यादा ही लग जाता है। और हर घर का नली रोड पर ही बह रहा है। रोड पे ही बहता है? तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस रोड पे जो ईंटें दिख रहे हैं, जो ईंट के टुकड़े डाले गए, क्या आप लोग अपने पैसे से डाले गए या सरकारी फंड है? सरकारी फंड कभी भी नहीं डाला गया है। हाँ। ना ही पहले बोला जाता, जब आश्वासन दिया जाता है कि हाँ काम हो जाएगा, जब भी वहाँ पे कंप्लेन किया जाता है। हाँ। तो बोला जाता है कि हाँ उसमें सुधार हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ सुधार। मैं पिछले 7 साल से इस गली में रह रहा हूँ। हर बरसात यही फजीहत होता है। हर बरसात 3 से 4 महीने ना तो इसमें गड़ी जा पाती थी, लेकिन लोग क्या करते, अपने पैसे से चंदा कर कर के उसके बाद हर साल यहाँ पे ईंट डाला जाता है, उसके बाद उसमें मिट्टी डाली जाती है, हल्की राबिश डाली जाती है। लेकिन इस होके लोड गाड़ी जो ट्रैक्टर है वो लोड जब जाती है इधर से, फिर से वो ये रोड खराब हो जाता है। अच्छा चाचा, ये बताइए यहाँ पे नली वली दिख रहा है कहाँ आपको? दिल में रहती है, होठों पे बोलानी मुश्किल है, जो आग की दिल में जलती है उसको से बुझानी मुश्किल है। वो बात न हमसे आप पूछे, वो बात बतानी मुश्किल है। सर आप भी है, देख लीजिए कहीं नली और गली दिखाई दे रही है। जो भी कार्य होता है हम लोग करते हैं। हम जुगो से देखते आए हैं कि नेताजी लोग सिर्फ वोट के समय में यहाँ पर आते हैं और फिर उल्लू की तरह न जाने कहाँ उड़ जाते हैं। वो कि कोई भी नेता हो, फिर 5 बरस के बाद ही हाथ जोड़ करके सामने आते हैं। हाँ। कि हमको वोट चाहिए, यहाँ सिर्फ वोट चाहिए। लोगों की राहत से कोई मतलब है? लोग कैसे एसी में रहने वाले क्या बता सकते हैं कि झोपड़ी में रहने वाले लोग कैसे रहते क्या हैं? दर्द होता है, क्या दर्द होता है। इतना ही नहीं, शीश महल बना है दिल्ली में, शीश महल बना है। आकर के यहाँ पर आप देख लीजिए कि रोड पर भी सोने के लिए लोगों की जगह नहीं है, पुलिस उसके मार करके खदेड़ देती है। अरे एक बार तो मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने किताब में बच्चों को पढ़ाया हूँ, मैं प्रधानाध्यापक हूँ, कि कई पार्टियों के लोग आते थे वहाँ, जाते थे तो गणेश जाति के लोग रहते थे, उनसे उनके पास भेड़ हुआ करती थी, उनके भेड़ों के नमूना लेने के लिए धीरे धीरे आते थे हर पार्टी के लोग और आश्वासन दे करके जाते थे कि मैं तुम्हारे पास दूसरे नस्ल का, विदेशों से नस्ल मंगाऊंगा, भेड़ मंगाऊंगा और तुम धनवान। वही हाल हो गया कि आपको भी आश्वासन मिला कि नली बन जाएगी, लेकिन नली दिखाई नहीं दे। आश्वासन भारत स्तर पर देखा जाए, कहते हैं लोग कि भारत सोने का चिड़िया का देश है, रियली में भारत मेरा सोने का और चिड़िया का देश है, लेकिन वोट जीत कर जाने वाले लोग जो है उसे इसे लूट करके खोखला कर दिए हैं भारत को। कुछ लोगों से इस रोड में कितना चंदा दिए हैं? हम हाँ? 10,000 रुपया दिए हैं। 10,000 दिया लगा कर अपने पैसे से? हाँ, अपने पैसे से हम लगा कर दिए। और मैं ही नहीं दिया हूँ,
यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं 5,000, 4,000, 10,000, 20,000 लगाकर, इतना ही गढ़ा नहीं, इतना गढ़ा था उस कह रहा हूँ, बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये रोड जो है एक एक ईंट जो है लोग अपने पैसे से अपनी कमाए हुए पैसे को लगा करके इस रोड को बनाए हुए हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि आपके अधिकारी जो है वो एसी में बैठते हैं और सोते हैं और मगन खाने खाते हैं और ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, कभी पूछने नहीं आते हैं कि जनता की क्या हाल हो रही है। सही है? हाँ सही है। एक मिनट सर, रोड के साथ साथ ट्रांसफार्मर की स्थिति आप जा करके देख लीजिए, कई वर्षों से 10 वर्ष बिजली भी गुल रहती है। कहाँ बिजली भी गुल रहती है? ट्रांसफार्मर इतना लोड है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर पर मतलब कि 10 किलोमीटर में इसका प्रसार है, क्या बिजली मिलेगी, कितना वोल्टेज वो देगा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर। नगर परिषद के अधिकारियों के पास आप लोग गए थे कभी? अच्छा गए थे कहते हैं, लेकिन लोग सुनता कौन है? जीत कर जाने के बाद सुनता कौन है? यही तो मेरी वेदना है, यही तो मेरी वेदना है कि चाहे वो जिला परिषद का सदस्य हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई देखने के लिए जनता को नहीं आता है, अपने आनंद में लोग हैं और जनता मर रही है। जनता कहीं ना कहीं कहा जाए कि जनता त्रस्त है और नेताजी मस्त में है, यही ना पब्लिक का हस्त है कि हम लोग चलने के लायक भी है। हाँ आपके बदौलत, आपके पैसे की बदौलत, मतलब यहाँ के लोगों की, कितने दिनों से ऐसी समस्या बनी हुई है? बहुत, जब से हम लोग हैं तब से यहाँ पर हम लोग चंदा काट काट कर रोड बनवा रहे हैं, रोड एकदम जब से हैं हम लोग तब से यहाँ कोई देखने वाला नहीं। वार्ड नंबर कितना है? 11 है वार्ड नंबर, 11 है। वार्ड पार्षद कौन है यहाँ के? उमेश गोस्वामी, अभी अभी तुरंत जीते हुए हैं, अभी तुरंत जीते। अच्छा एक बात मैं पूछूंगा आपसे कि वोट मांगने के लिए तो आए होंगे? हाँ। वोट आप दिए भी होंगे? हाँ। लेकिन उसके बाद आपसे पूछने आए हैं? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं पूछने आया है, पूछने भी कोई नहीं, कोई नहीं पूछने आया है, कोई नहीं। कमर भर पानी लग जाती होगी यहाँ पे? बहुत बहुत स्थिति, चलने का रास्ता नहीं रहा है, हम लोग अपना चंदा लगा लगा कर चलने का रास्ता बनाते हैं, क्योंकि नाला नहीं है यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से दिखा दीजिए, मैं ढूंढने का प्रयास किया यहाँ पे जिला प्रशासन महोदय और जिला अधिकारी महोदय, लेकिन यहाँ पे नली दिखाई नहीं दी। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे नली नहीं है तो रोड में पानी जो है वो काफ़ी लग ही जाएगा। पानी लगने के कारण से यहाँ पे लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और आप तस्वीर भी देख रहे हैं यहाँ पे कि दूर दूर तक जो है वो रोड यहाँ पे है नहीं। क्या कहेंगे आप, युवा है और वोट तो जरूर दिए होंगे इस बार? नहीं अभी नहीं दिए। नहीं दिए हैं तो क्या कहेंगे, ये हाल है? हाल बहुत ख़राब है रोड का, ये हर साल हो जाता है। हाँ। हर साल जब बारिश होती है हम लोग चंदा लगाते हैं। कहीं नाव से नहीं ना वहाँ से आप लोग चलते हैं? नाव नहीं, बट फिर भी कमर भर पानी लग जाता है। हाँ। जिस हर साल बारिश होती है, हर साल हम लोग को चंदा देना पड़ता है, ईंटा भरवाना पड़ता है, इसमें कोई सरकार का इसमें हर साल की रवैया, पिछले हम 5-6 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हर साल हमको यही करना पड़ता है। हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं कि हम लोग ढलाई इसको करवा दें अपने से। अच्छा एक 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 बात और आप लोगों से मैं पूछूंगा, आइए आइए इधर आइए इधर आइए। एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी महिला की तबीयत खराब हो जाती होगी तो क्या स्थिति होता होगा? गिरते पड़ते हम लोग टांग करके लेके जाते हैं, यहाँ से खाटी पे चरपाई पे टांग के ले जाते हैं हम लोग रोड पे। कमर भर पानी तो हो ही जाता होगा? हाँ कमर भर पानी हो जाता है, लग जाता है यहाँ पानी ज्यादा, लेकिन कोई सुनने वाला? कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी गली का कहीं भी पानी का निकासी नहीं है। हाँ स्टेशन से लेकर भोजपुर हाईवे जो बना है वहाँ तक जितनी भी गली है, जितनी 11 नंबर वार्ड में आती है, किसी भी गली का कहीं भी पानी का निकास नहीं है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो कई फंडे उजागर हो गए, खत्म हो गए पैसे, साहब अफसर के पास रह जाता है, वहीं तक जनता के पास नहीं पहुंचता है, जनता के पास नहीं पहुँचता। हाँ बताइए बताइए। आप अब अभी आप सामने देख लीजिए, स्वच्छ भारत का प्रमाण जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पौधे जो अपने से जंगली पौधे लगे हुए हैं। हाँ। भारत सरकार, बिहार सरकार और राज्य सरकार और जिला प्रशासन साफ करती है, बाहर मेरा स्वच्छ भारत कहने को भारत है, शर्म आती है उन नेताओं पर जो कि जा करके महलों में और एसी में बैठते हैं गरीबों के देखने के लिए, 5 बरस के अंदर जीतने के बाद नहीं आते हैं। लालच है इस देश की कि जीत कर जाने के बाद एक भी नेता घूमने के लिए किसी गांव शहर नगर में नहीं जाते हैं। सत्यता तो यही है, सत्यता तो यही है। देखिए इन्होंने साफ शब्दों में क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइए। हाँ।
सबसे बड़ी समस्या छोटे बच्चों के साथ होती है, क्योंकि स्कूल जाते समय उनका ड्रेस भी गंदा हो जाता हो, गिर भी जाते होंगे, क्योंकि यहाँ कीचड़ लग जाता है, पानी लग जाता है, वैन वाली गाड़ी अंदर आती नहीं है, बच्चे को क्या होता है गली इस कीचड़ होके पानी होके पार करना पड़ता है, कभी कभी बच्चे गिर जाते हैं और वो स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका ड्रेस गंदा हो जाता है, कभी बच्चे गिर जाते हैं उनको चोट लग जाती है, ये बहुत बड़ी समस्या है खासकर छोटे बच्चे। देखिए अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई और यहाँ पे पानी लग जाएगा, और आगे मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको कि देख लीजिए वहाँ पे नगर परिषद की जो है कचड़े डंपिंग करने के लिए यानी कचड़ा रखने के लिए वहाँ पे एक डब्बा बनाया गया है, लेकिन उस डब्बे का ढक्कन जो है वो भी गायब हो गया है यहाँ पे, वो देख लीजिए। तो अब बताइए कि जब डब्बा यहाँ पे सुरक्षित नहीं रह सकता है तो लोग डुमराव में कैसे सुरक्षित रहेंगे और लोगों का कचरा जो है वो कहाँ फेंका जाएगा। देखिए यही नगर परिषद का डब्बा है, गीला कचरा लिखा हुआ है, लेकिन इसके आसपास देखिएगा तो पूरा कचरा का अंबार ही अंबार है, और नली तो आपको साफ दिखाई ही नहीं देगी। अगर आप अधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप आए होंगे तो देखिए, ये देखिए ये NH 922 को जोड़ता है ये रोड, यह रोड आपको सामने जो दिख रहा है ये DK कॉलेज है, और देखिए DK कॉलेज के ठीक सामने की स्थिति क्या बनी हुई है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जब यहाँ पे अभी पानी लगा हुआ है तो बारिश अभी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे पानी कितना लगेगा, दोनों साइड पानी लगा हुआ है, DK कॉलेज है ये, और इसके बगल में देखिए नगर परिषद के एक खेल मैं आपको दिखा दूँ, ये DK कॉलेज है और रोड के बगल में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। वाह रे नगर परिषद हमारा वाह, आपको फूल माले से स्वागत करना चाहिए नगर परिषद के अधिकारियों को। जरा इसको देख लीजिए, यहाँ पे हमारे बच्चे जो भविष्य बनते हैं, भारत के भविष्य की पढ़ाई होती है जो पढ़ते हैं, यह कॉलेज है, जाने माने कॉलेज है जिसकी स्थिति जिसके सामने आपको देखने को मिल सकती है क्या स्थिति बनी हुई है। और यह रोड जो है NH 922 को जोड़ता है, और यह इसकी तस्वीर जिता जाता आपने देख लिया कि क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और किस तरीके की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ये लोग जो है अपने से खुद से चंदा काट करके और इकट्ठा करके पैसा बनाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए MBO ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर सनीस उपमनु की रिपोर्ट।